इस्कॉन का अर्थ अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है। यह अमेरिकी नहीं अपितु अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना अमेरिका में 1966 में श्रील प्रभुपाद द्वारा हुई थी। वह कृष्ण भक्ति जो भारत में अनादिकाल से चली आ रही है, उसे पूरे विश्व में बांटना यही इस संस्था का उद्देश्य रहा है। श्रील प्रभुपाद के बाद इस्कॉन संस्था का नेतृत्व गवर्निंग बॉडी कमीशन के अंतर्गत है, जिसमें विश्व के अलग अलग देशों के आध्यात्मिक नेताओं का समावेश है। इसमें किसी भी देश के नेताओं का अत्यधिक विशेषाधिकार नहीं है। इस प्रकार सदस्यता या नेतृत्व इन दोनों ही दृष्टि से इस्कॉन केवल अमेरिकी संस्था नहीं अपितु अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इस्कॉन की अपनी एक आदर्श योजना है, जिसके अंतर्गत हर केंद्र को वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर बनकर अपना अपना खर्च चलाना होता है। श्रील प्रभुपाद जी एक मंदिर का अन्य मंदिरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि यह आलस्य को बढ़ावा देता है। इसलिए मंदिर में आई धनराशि एक मंदिर से दूसरे मंदिर नहीं दी जाती। यहाँ तक कि एक देश में ही स्थित एक मंदिर से दूसरे मंदिर में भी यह धनराशि हस्तांतरित नहीं की जाती। मंदिरों के स्वयं संपोषण के इस सिद्धांत को भारत के पवित्र तीर्थ स्थल वृंदावन और मायापुर में स्थित मंदिर ही केवल अपवाद है। श्रील प्रभुपाद यह चाहते थे कि इन स्थानों पर भव्य राजसी थाट बांट वाले सांस्कृतिक केंद्र बने, जो दुनिया भर के जिज्ञासुओं को भक्तिमय आध्यात्मिक आश्रय की ओर प्रेरित करे। इसलिए उन्होंने विश्व में स्थित सभी भक्तों एवं मंदिरों को इन आध्यात्मिक प्रकल्पों को मदद करने के लिए प्रेरित किया। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति हेनरी फोर्ड के पोते अल्फ्रेड फोर्ड जी ने कलकत्ता के पास श्रीधाम मायापुर, जो इस्कॉन का प्रमुख केंद्र है, इस मंदिर के निर्माण हेतु 250 करोड़ रुपए धनराशि एकत्रित की। मायापुर का यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर बनने जा रहा है, जो भारत की सांस्कृतिक महिमा को बढ़ा रहा है। इसलिए जब जब ऐसे अपवाद प्रसंगों में यह दान हस्तांतरित होता है, तो वह भारत से अन्य देशों में नहीं अपितु पूरे विश्व से भारत में होता है, जो भारत की सांस्कृतिक महिमा को ही बढ़ाता है। इस्कॉन संस्था अपने संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद जी के दृष्टिकोण का अनुसरण करती है। श्रील प्रभुपाद जी की यह व्यापक दूरदृष्टि थी कि जिस प्रकार अपाहिज और अंधा एक दूसरे के पूरक सिद्ध हो सकते हैं, उसी प्रकार भारत और पाश्चिमात्य देश एकत्र आकर आध्यात्मिक ज्ञान को बांट सकते हैं। पश्चिम में भौतिक संपन्नता अधिक है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव के कारण वह अंधे व्यक्ति के समान है, और भारत में आध्यात्मिक दिशा देने की शक्ति है, किंतु सैकड़ों वर्षों से विदेशी शासकों के शोषण के कारण आर्थिक दुर्बलता है, इसलिए वह एक अपाहिज व्यक्ति के समान है। इस्कॉन संस्था भारत के आध्यात्मिक ज्ञान और पश्चिम की भौतिक प्रवीणता का मेल कराकर पूरे विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान देकर उन्नत करा रहा है। भारत में चली आई कृष्ण भक्ति की परंपरा ही इस संस्था का मूल आधार है, और केवल दुनिया भर को इस उन्नत परंपरा से अवगत कराने के लिए ही विश्व के संसाधनों का प्रयोग कर रही है। पूरे विश्व में भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को बांटने में इस्कॉन जो योगदान दे रहा है, उसकी प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञों, विभिन्न धर्मों के विचारकों और विद्वानों द्वारा सराहना की गई है। इसके उदाहरण के तौर पर भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, इस्कॉन के समरूप शायद ही कोई संस्था होगी जो राष्ट्रीयता के, जातीयता के परे जाकर, बाहरी सादगी रखकर और अपने अनुयायियों की आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर तेजी से वैश्विक प्रसार कर रही है। 3.5 दशकों से भी कम समय में इस्कॉन को विश्व के अलग अलग देशों में मंदिरों की स्थापना करने में सफलता प्राप्त हुई है। इस्कॉन ने वास्तव में भगवद गीता के संदेश का वैश्वीकरण किया है।